कोई उन्हें महाप्राण निराला कहता है तो किसी को वो मतवाला नजर आता है। किसी ने उन्हें छायावादी युग का कबीर कहा तो कोई उन्हें मस्त मौला कहता है। उन्हें सांस्कृतिक नवजागरण का पुरोधा बताने वालों की कमी नहीं है। कुछ उन्हें सामाजिक क्रांति का विद्रोही भी कहते हैं। जीवन व काव्य दोनों को गति देने वाला निराला सच में निराला ही था। निराला दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी, विद्रोही भी थे, स्वाभिमानी भी, अक्कड़ भी थे और फक्कड़ भी। सबसे बढ़कर वो एक कवि थे। हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि स्वर्गीय बाल कवि आर्य ने निराला के रूप वैविध्य का चित्रण करते हुए लिखा था, काव्य गगन का सूर्य निराला, छंदों का था तूर्य निराला, झंकृत स्वर का गान निराला, नाद शक्ति का तान निराला, महाकाल का काल निराला, तमक गया विकराल निराला। निराला जी के पिता राम सहाय त्रिपाठी अपने पैतृक स्थान अवध को छोड़कर बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर जीविका की खोज में आ बसे थे। यहीं महिषादल में 21 फरवरी सन 1896 की बसंत पंचमी के दिन निराला का जन्म हुआ। माँ ने निराला का नाम सूर्य कुमार रखा। निराला जी का जीवन असहनीय पीड़ाओं से भरा रहा। सूर्य कुमार के जन्म के 3 वर्ष बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। जीवन में प्रथम आघात यहीं से शुरू हुआ। निराला भी 14 वर्ष के ही थे कि इनकी शादी सुसंस्कृत विदुषी मनोहरा देवी के साथ हो गई। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। पत्नी का हिंदी ज्ञान अच्छा था। निराला जी हिंदी सीखने के लिए अत्यधिक जागरूक रहने लगे। उनके भीतर की प्रतिभा जाग उठी। निराला 23 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उन्हें दूसरा आघात पहुंचा। उनकी पत्नी का सन 1919 में निधन हो गया। सूर्य कुमार का मन टूट गया। समय अंधकार बन सूर्य के सामने खड़ा था। निराला व्यथित हृदय से सब देख रहे थे। वक्त की क्रूरता ऐसी कि 1 वर्ष बाद पिताजी का भी निधन हो गया। पत्नी का देहांत हो जाने के बाद निराला ने ही अपनी पुत्री को बड़े प्यार से पाला था। अब वो बड़ी हो गई थी। पुत्री सरोज की शादी कलकत्ता में ही एक परिचित नवयुवक श्री शिवशेखर द्विवेदी से कर दी। एक बार समय चक्र फिर क्रूर हो उठा। शादी के करीब 5 वर्ष बाद ही सन 1935 में सरोज भी उस दुनिया से चल बसी। बेटी के इलाज के लिए कवि सम्राट पैसा नहीं जुटा सके। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। 9 अक्टूबर 1935 में उन्होंने अपनी कविता सरोज स्मृति में लिखा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। वो राम जो महर्षि वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक, मैथिली शरण गुप्त से लेकर कबीर तक, रहीम से लेकर हर उस व्यक्ति को छूता है जो भावुक है, उस राम ने अत्यधिक पीड़ा से गुजर रहे निराला को भी छुआ। और तब निराला ने लिखी अपनी सबसे प्रसिद्ध कविता 312 पंक्तियों की, राम की शक्ति पूजा। कविता शुरू होती है एक ऐसे युद्ध के दिन के समाहार पर जहां रघुकुल गौरव राम आज रावण को परास्त नहीं कर पाए हैं। वो अपने पूरे दल के साथ बहुत कष्ट में आज वापस लौटे हैं। राम की शक्ति पूजा में निराला का आत्मतत्व दृष्टिगत होता है। जीवन में प्राप्त हुई असहनीय वेदनाओं के कारण निराला के जीवन में एक निराशा थी। राम की शक्ति पूजा का पात्र एक मानवीय राम है। युद्ध में शत्रु को अभी तक परास्त ना कर पाने की वो निराशा निराला के पात्र में भी दिखती है। राम जब अपनी सेना के मुख्य लोगों के साथ शिविर में बैठे हैं, उस क्षण निराला लिखते हैं, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यानमग्न केवल जलती मशाल। निराला की लिखी इन पंक्तियों को कुछ समीक्षक दूसरी दृष्टि से भी देखते हैं। उनके अनुसार जिस दौर में कविता लिखी गई उस समय देश में ब्रिटेन की सत्ता थी, चारों तरफ कालिमा थी, रास्ता सूझ नहीं रहा था। अमानिशा के ऐसे समय में केवल थोड़ी सी ही रोशनी नजर आती थी और वो रोशनी थी मशाल की। क्योंकि निराला के राम मानवीय हैं, वो उस थोड़ी सी रोशनी में भी एक आशा को देखते हैं। अंधकार कटेगा और उजाला आएगा।
यही आशा उस वक्त देश की चेतना में भी थी। इस अंधकार से निकलने के लिए एक शक्ति पूजा की आवश्यकता थी जो राम ने प्रारंभ की। ये साधना 9 दिन तक चलेगी। राम ध्यान के चरणों में आगे बढ़ते हैं, वो ऊर्ध से ऊर्ध होते चले जाते हैं। अब वो क्षण समीप है जब शक्ति उनका वरण कर लेगी और रावण की पराजय निश्चित हो जाएगी। अब मात्र एक इंदिवर शक्ति के चरणों में अर्पित करने के लिए बचा है और इस पर शक्ति ने सोचा क्यों ना साधक की परीक्षा ली जाए। और जब राम ध्यान में थे तब शक्ति ने चुपके से एक इंदिवर उठा लिया। राम ने जब आखिरी इंदिवर शक्ति के चरणों में अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें उस स्थान पर इंदिवर नहीं मिला। इस पर राम ने कहा, और निराला लिखते हैं, ये है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नया, दो नील कमल हैं शेष अभी ये पुरुष चरण, पूरा करता हूँ दे कर माता एक नयन। इस पर भगवती फौरन प्रकट हुई, उन्होंने राम का हाथ थामा और कहा, जो इस कविता की अंतिम पंक्तियों में निराला लिखते हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। दरअसल राम की शक्ति पूजा वस्तुतः शक्ति की राम पूजा है, जिसमें मानवीय शौर्य का महत्व मिलता है। हिंदी साहित्य का यह सूर्य 15 अक्टूबर 1961 को सदा के लिए अस्त हो गया। निराला के ना रहने पर सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है, अभी ना होगा मेरा अंत, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा अंत। वाकई निराला जैसे व्यक्तित्व का कभी अंत नहीं हो सकता।